आप ही के किसी बंदे ने डाला जी जी, तो इस तरीके से समझाते बुझाते सही हो जाता है। उसी तरह से अभी पहले था एक हमारे यहाँ, अब हो गए दो, धूप लग गई। अब इसके अब लड़कों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई गलत मिलता है तो उनको ना बता के मेरे को बताओ, मैं जाके उनको समझाता हूँ, मैं बताऊँगा या मेल डलवाऊँगा उनको कि इस तरीके का ना करें। बिल्कुल, तो एक तो ये वजह है कि बीमारियाँ हो जाती हैं, दूसरी वजह ये है कि जब मिक्स होके आता है ना तो उसको हमारे कर्मचारी भी अलग अलग नहीं कर पाते। अल्टीमेटली होता क्या है, जब अलग अलग नहीं कर पाते परेशान होते हैं तो एक जगह डालते जाते हैं, जिससे पूरे शहर में गंदगी या पहाड़ बन जाता है गंदगी, है ना। तो आज हमने जो अभी डिसाइड किया है SLH, ये हमारे सारे वॉरियर्स रहेंगे, इनके साथ मिलकर अब हम काम करेंगे। अब हम जब भी आप, आज का हो गया आपका उठाने का काम या अभी बाकी है? हो गया, हो गया। अब एक दिन फिक्स करेंगे, अब हमारी प्लानिंग ये है, प्लान हम ऐसे करेंगे इसको कि सॉरी मैं आपका नाम बोल गया, विनीत, अब हम प्लान क्या करेंगे, आपको साथ लेंगे, आप हमें एक दिन दीजिएगा, और एक दिन एक्चुअली 9 दिन दीजिएगा आप हमें अलग अलग दिन, और हो सका तो एक दिन में 2 टावर करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा, विक्रांत में हम साथ चलेंगे, और एक एक टावर में हम इनके साथ चलेंगे। ये हर घर से जब ये कूड़ा ले रहे होंगे बैल बजा के सबको बताएंगे, ये पेपर देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे हम, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे करना है घर में जो भी है, और वहाँ पे एक नोट करेंगे, मैं रहूँगा आपके साथ में, विक्रांत रहेंगे, आप रहेंगे, जो घर छूट गया होगा उसका नंबर नोट कर लेंगे, टावर का नाम ABCD होगा ऐसे, बस ए लिख लेंगे ऊपर, फ्लैट नंबर लिख लेंगे, जो हो गया उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर में कोई ना कोई होगा ही, जब आप जाते हो तो लोग रहते हैं उसमें, ये आपको पता नहीं चलता। बेसिकली क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टावर कितने हैं? यहाँ पे टोटल टावर है 9 हमारे पास। ओके, और हर टावर में आप बता रहे हैं कि अलग अलग है हिसाब, ऐसा नहीं है कि एक टावर में फिक्स नंबर है। टोटल रेजिडेंट कितने हैं? टोटल यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं 500 लोग यहाँ पे रहे, 500 फैमिलीज रहती हैं, 510 यहाँ पे टोटल फ्लैट, 510 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। तो अब हमारा मिशन है ये कि आने वाले 15 दिन के अंदर अब यहाँ पे जो वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो रहा है या कूड़ा अलग अलग नहीं हो रहा है, हम सब मिलके, हमारे पूरे वॉलंटियर्स मिलके, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब मिलके, हम एक एक डोर टू डोर जाएंगे और यहाँ पे रहने वाले 510 लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे कि अपने कूड़े को कैसे अलग अलग करें। ठीक है, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? जी ठीक है, शैली जी आप हमारे साथ रहिएगा, आप लीड करिएगा, आपसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे, आप इनसे कोऑर्डिनेट करिएगा, है ना, क्योंकि एक एक करके करना है हमें। तो एक दिन में जैसे मान लीजिए मंगलवार के दिन, अब हमारी बात हो गई आपसे कि मैं मंगलवार को आ रहा हूँ, आप मैं और मंगलवार वाला एक पकड़ लीजिए, ए फिर बी फिर सी फिर डी, फिर ऐसे करके जाएंगे, क्योंकि पर्सनली सबके साथ जाना बहुत ज़रूरी है, है ना, ऐसे हम करेंगे इसके 9 टावर को 9 दिन में हम कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, आपसे मैं कोऑर्डिनेट करूँगा, आप इनसे कोऑर्डिनेट करिएगा। ठीक है, डन, ओके। बाद उसको हाथ से अलग करते हैं, उनके हाथ कट जाते हैं, मेरा खुद हाथ कट गया जैसे शीशे से भी 2-3 दिन पहले, तो वो उस इंसान का सोचो जिसके पास पूरे शहर का आता होगा, तो बड़ी तकलीफ होती है, वो भी तो इंसान ही है ना आखिर हम लोगों की तरह, तो उसकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ कि हम उसका खास ख्याल रखें। इसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव ने ये कहा है हर इंसान को जो भी रहता है ऊपर या फिर सोसाइटी में, गांव में, गली में, कि अपना कूड़ा अलग अलग करके दे ताकि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो, ना तो इंसान को नुकसान हो ना ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हो, इसके लिए जागरूक करना ज़रूरी है। तो आप अगर मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो हम उसको बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअली ये कैसे करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि लोग अलग अलग करके दे रहे हैं, सब्जियों के छिलके एक में दे रहे हैं, सूप और पेपर एक जगह दे रहे हैं, कार्डबोर्ड पेपर प्लास्टिक का सामान, तो वो हम मदद नहीं कर पाएंगे। उसको बताने से पहले आपको समझना चाहिए कि जितना भी कूड़ा रसोई में से निकलता है वो सारा का सारा गीला कूड़ा होता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिनको आप मिट्टी में डाल दो तो उसकी खाद बन जाएगी, अंडे के छिलके, चिकन के, मछली के, पुराना खाना, चावल, दाल, रोटी, जैसे ये सारी पूरे सड़ जाते हैं ना, ये गीला कूड़ा होता है, गीला कूड़ा होता है, ये हरे रंग के डस्टबिन में जाता है ना, ये हरे रंग के डस्टबिन में जाता है। दूसरा कूड़ा वो होता है जिससे कुछ चीज़ दोबारा बन जाती है, या जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक से प्लास्टिक बन जाता है, पेपर से पेपर बन जाता है ना, ये सारा का सारा सूखा होता है। दूध की थैली हालांकि गीली होती है बट वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में जाएगा, है ना। अच्छा, इसी में मिलता है, इसमें जिला मैं उनको बोलता हूँ
जाता है एशियन नेट को क्या समझाएंगे, आपकी ख्याल से मिक्स करके मिल रहा है, समझ गए आपको, आपकी ख्याल से सब मिलके मिल रहा है, मिक्स मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सब अलग अलग करके दे रहे हैं, तो इसलिए आपको समझाना ज़रूरी था, ये पूरी आपको जानकारी इसीलिए दी थी ताकि आपको पता चल सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या अलग होने का मतलब क्या होता है। अलग का मतलब ये नहीं कि एक घर का अलग दूसरे घर का अलग दूसरे का, अलग का मतलब सब्जियों का और पुराना सॉरी खाने पीने का जो जो गीला कूड़ा होता है जिससे खाद बनती है वो एक जगह, और जितना भी रिसाइकल यानी कि जो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है पेपर कार्डबोर्ड न्यूज़पेपर वो एक जगह, वो अलग से होना चाहिए। हो सकता है कि लोग इधर उधर डाल देते हैं डब्बा ग्रीन वाला ब्लू में ब्लू वाला ग्रीन में, लेकिन प्लास्टिक में बंद होता है वो सारा थैलियों में, राइट है ना, और वो अलग अलग मिलना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसकी जानकारी आपको हो गई, अब आप समझ गए कि ये कैसे जो अलग अलग होना चाहिए। आगे अब हम एक्शन शुरू करेंगे इसके ऊपर, अब हमारी एक आर्मी बन गई है पूरी, है ना, पूरी फौज तैयार हो गई है अब ये, और आप और हमारी जिम्मेदारी है हर घर पे जाएंगे अभी हम जब भी आप, और उनको जानकारी देंगे कि क्यों अलग अलग करना चाहिए। ये पता है ना, सबको बता रखा है ना, ये परसों जो ब्रीफ किया था आपने, क्या बताया, हमारे पास दो डस्टबिन रखे हुए हैं, एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का, जो अभी सबने बताया जो जिससे कंपोस्ट खाद वगैरह बनती है किचन में, जो तो जो हम अभी सोसाइटी में, इसका नाम है टाइम रेजिडेंसी, ओके, कौन सा सेक्टर है, 63 के ये सारे वॉलंटियर्स हैं, जो कि टोटल इस सोसाइटी में 9 टावर्स हैं, 9 टावर्स में से हर टावर में एक एक इनमें से एक डेजिग्नेटेड इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जिनकी जिम्मेदारी है ऊपर से लेके नीचे तक वेस्ट को लेके आना, डब्बों को खाली करते हैं। इनके यहाँ हर ऑल्टरनेट फ्लोर पे एक एक डब्बा है, फॉर एग्जांपल थर्ड फर्स्ट पे है, फिर थर्ड पे है, फिर फिफ्थ पे है, लाइक ऑनवर्ड्स, और ये ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं। और इस सोसाइटी में कूड़ा जो आपको मिलता है, जब डब्बे में आपने देखा होगा दो कलर दो व्हील लेके आते हो या आप एक लेके जाते हो, एक लेके जाते हो, और इसमें जो आपको अभी कूड़ा मिलता है यहाँ के रेजिडेंट की तरफ से जो रहते वाले लोग हैं जो डालते हैं निवासी लोग, वो सब मिक्स्ड होता है आपस में मिला होता है कि अलग अलग देते हैं आपको, पहले था अब नहीं, बेसिकली पहले पहले हमारा एक ही डस्टबिन रखा हुआ था, अच्छा, अब जब से हमने दो अलग अलग डस्टबिन रखे हुए हैं, गीला आपको अलग मिलता है, गीला आपको अलग मिलता है, अलग मिल रहा है ना, हाँ, और सूखा आपको ब्लू में मिल रहा है। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो दोनों नहीं, मैं अभी चेक करूँगा, सही बात बताना, आप ही की सुविधा के लिए हैं यहाँ पे, ताकि नीचे जो काम करता है आदमी वो भी इंसान है, उसको तकलीफ होती है, मैं ये भी बता दूँ कि ये क्यों कर रहे हैं हम,